शार्क टैंक इंडिया हमारे लिए सिर्फ एक रियलिटी टेलीविजन सीरीज है, मगर एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग शो है, जहां इन्हें अपने बिजनेसेस को बूम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स शार्क की स्ट्रेटेजीज पर फोकस करके अपने बिजनेसेस को अच्छा खासा ग्रो कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ये शार्क्स हैं कौन, शार्क टैंक का वर्किंग मॉडल क्या है, और वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे डार्क साइड ऑफ शार्क टैंक की। I'll give you the 50 lakhs, but I want 20% of the company. At 2.25 की valuation, one third company में। मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आए। Idea तो investable नहीं। यार अभी हमको interview देना पड़ेगा। आजा ये यहाँ बैठी है, मैं वहाँ चला गया। भाई तू founder है या तू help मांगने आया? Boss देख मेरा simple बात है। मैंने 3 साल में 3 billion की company बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 crore रुपए बनते हैं। दिन का 20 crore रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं value। Boss ये सब दोगलापन है। साल 2009 अमेरिका में एक शो शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया शार्क टैंक। ये शो पिछले 14 साल से यूएस में चल रहा है, जहां शार्क्स एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते साल 2021 इंडिया में इसकी एक फ्रेंचाइज शुरू की गई और इसका नाम रखा गया शार्क टैंक इंडिया। ये रियलिटी शो अपने 2 seasons कंप्लीट कर चुका है इंडिया में, और दोनों seasons में 42 करोड़ यानी के करीब 84 करोड़ INR इंडियन रुपी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं ये शार्क्स। इन seasons में अनुपम मित्तल, गजल अलाग, नमिता थापर, अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसाल, विनीता सिंह और अमित जैन ने एज अ शार्क पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं शार्क टैंक के वर्किंग मॉडल की। शार्क टैंक में सिंपली काम सिर्फ गिव एंड टेक का ही होता है, जहां एंटरप्रेन्योर्स शार्क के सामने अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करते हैं और शार्क्स इसकी इवैल्यूएशन करके इन्वेस्टमेंट देते हैं, और बदले में इस बिजनेस की कुछ परसेंट इक्विटी डिमांड करते हैं एंटरप्रेन्योर से। तो इस वर्किंग मॉडल में जो समझने की बात है कि ये इक्विटी क्या चीज़ है और ये शार्क्स इस बिजनेस की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। दोस्तों जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें पार्टनर्स को अपने पैसे इन्वेस्ट करना होते हैं। इन पैसों को पेड अप कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि राज और कबीर ने मिलकर एक XYZ कंपनी स्टार्ट की और दोनों ने कंपनी को शुरू करने के लिए 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हम कहेंगे XYZ का पेड अप कैपिटल है 20 लाख रुपए, जहां पर दोनों पार्टनर्स ने इक्वली 10-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इसलिए दोनों की ओनरशिप इक्वली 50-50% है और इसी ओनरशिप को इक्विटी कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज और कबीर दोनों इस कंपनी की 50-50% इक्विटी को ओन करते हैं। इस इक्विटी यानी ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और इक्विटी को लेने के लिए इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स बाय करना होते हैं। एग्जांपल्स पर वापस आएं तो राज और कबीर दोनों ने कंपनी शुरू करने के लिए 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब इसके बदले दोनों को कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। आमतौर पर जब कंपनी शुरू होती है तो उसके एक शेयर की प्राइस 10 रुपए रखी जाती है, इसलिए दोनों फाउंडर्स को उनके 10-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी के 1 लाख शेयर्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यू उनकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। यानी 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए पर शेयर इक्वल्स टू 10 लाख, और कंपनी के पास टोटल 20 लाख रुपए से दोनों फाउंडर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और आगे चल के जब और पैसों की जरूरत होगी इन्हें तो ये इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। मान लेते हैं कि राज और कबीर शार्क टैंक में फंडिंग के लिए जाते हैं। दोनों फाउंडर शार्क्स के सामने अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं और फंडिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं, जिसके बदले में वो अपनी इक्विटी का 5% देना चाहते हैं। दोस्तों फंडिंग की इस डिमांड और इक्विटी के ऑफर का मतलब है कि राज और कबीर दोनों कंपनी की 5% ओनरशिप शार्क्स को 1 करोड़ रुपए में सेल करना चाहते हैं। और यहाँ से शुरू होता है शार्क टैंक के वर्किंग मॉडल का दूसरा स्टेप, जो है बिजनेस वैल्यूएशन। बेसिकली कंपनी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का एक इजी फार्मूला है, अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। यानी कि राज और कबीर अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू को 20 करोड़ रुपए बताते हैं, लेकिन शार्क्स इस फार्मूले को यूज नहीं करते, बल्कि वो राज और कबीर से उनके प्रीवियस मंथ्स के प्रॉफिट या लॉस के बारे में पूछते हैं और उन डिजिट्स की बेस पर बिजनेस की इवैल्यूएशन करते हैं। काउंटर ऑफर देते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन 5% इक्विटी की बजाय 10% इक्विटी चाहते हैं। यानी शेयर्स की इवैल्यूएशन के मुताबिक उनका बिजनेस 20 की बजाय सिर्फ 10 करोड़ रुपए का है। और अगर राज और कबीर इस डील को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कंपनी की 10% ओनरशिप को 1 करोड़ रुपए में सेल कर दिया है। और जब तक सिर्फ राज और कबीर कंपनी के ओनर्स थे तो दोनों के पास कंपनी की 50-50% इक्विटी थी, पर अब क्योंकि दोनों ने कंपनी की 10% इक्विटी शार्क्स को सेल कर दी है तो अब दोनों के पास 45-45% इक्विटी ही बचेगी, और बाकी की बची हुई 10% इक्विटी शार्क्स को लीगली शेयर्स की फॉर्म में मिल जाएगी।
और मेनली इन ही दोनों स्टेप्स यानी इक्विटी परसेंटेज और बिजनेस इवेल्युएशन को माइंड में रखते हुए ही शार्क से डील करते हैं। देखा जाए तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे ये अपने स्टार्टअप को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्पेसिफिकली शार्क टैंक को देखा जाए तो इसकी डार्क साइड पर काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। शार्क्स की रूडनेस को देखते हुए इसे सास बहु सीरियल्स और इंडियन आइडल से कंपेयर किया जाता है। अनुपम मित्तल को दूसरी नेहा कक्कड़ कहा गया है और एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर का ये भी कहना है कि नॉट इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन द सेम बिजनेस डिडंट सिट वेल। यानी कि डायरेक्टली नमिता थापर को क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने एक मेकअप ब्रांड में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये उनकी शार्क फ्रेंड विनीता सिंह का कंपटीटर है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इन्हें फेस करना पड़ा वो था शार्क्स का उनकी कंपनी के लॉसेस पर। शार्क टैंक यूएस में मार्क क्यूबन जैसे बिलियनर शार्क्स हैं जो बिजनेस की फील्ड को अच्छे से समझते हैं और इनकी सारी कंपनीज हर साल अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती हैं। जबकि शार्क टैंक इंडिया की बात की जाए तो अमन गुप्ता के अलावा बाकी सब शार्क्स की या तो अपनी कंपनी ही नहीं है और अगर हैं भी तो वो भारी लॉसेस में चल रही हैं। सबसे पहले विनीता सिंह की बात की जाए तो साल 2022 में 75 करोड़ और साल 2021 में 21 करोड़ का लॉस हुआ इनकी शुगर कॉस्मेटिक्स को। पीयूष बंसाल की कंपनी लेंस कार्ट को साल 2022 में 102 करोड़ का लॉस हुआ। गजल अलाग ने साल 2022 में 14 करोड़ का प्रॉफिट बनाया लेकिन इससे पहले 2020 में 428 करोड़ और साल 2021 में 1332 करोड़ रुपए का लॉस हुआ इनकी मामा अर्थ कंपनी को। अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com और मौज मोबाइल के ऑनर हैं। इनके शादी.com के बिजनेस के अलावा बाकी दोनों बिजनेसेस बिल्कुल डेड हो चुके हैं। बात करें अश्नीर ग्रोवर की जो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और दोगलापन जैसे कुछ डायलॉग की वजह से मोस्ट वायरल शार्क है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के एक्स को फाउंडर हैं और इनकी लीडरशिप के अंडर साल 2021 में भारत पे ने 2900 करोड़ का लॉस फेस किया और साल 2022 में ये फिगर 2900 से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल यानी 5500 करोड़ तक पहुंच गया। और बाकी के दो शार्क्स की बात करें तो अमित जैन की कंपनी को भी लास्ट ईयर 246 करोड़ का लॉस हुआ। और रही बात नमिता थापर की तो ये अपनी कंपनी एम क्योर फार्मा को ऑन ही नहीं करती, ये कंपनी इनके फादर ने बनाई थी। इनफैक्ट अभी भी वही इस कंपनी के सीईओ हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसने खुद कभी कंपनी नहीं बनाई, उसके अप्स एंड डाउन ही नहीं देखे, वो किसी दूसरे इंसान के स्टार्टअप को कैसे जज कर सकता है। इसके साथ साथ मूनशाइन मेडरी, ठेका कॉफी और जिप जैसे कुछ स्टार्टअप ऐसे थे जिनके आइडियाज को शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज वो इन्हीं आइडियाज पर काम करके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और ठेका काफी पर तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि शार्क टैंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप्स को बूस्ट भी मिला है शार्क्स के थ्रू। लेकिन अगर अमन गुप्ता जैसे और सक्सेसफुल शार्क्स शार्क टैंक में सामने आएंगे तो शार्क टैंक मजीद क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं होगा और आइडियाज के बेहतर वैल्यूएशन और एनालिसिस की बेस पर ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सकेगा। डेट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।